नमस्ते बच्चों, कल हमने देखा था अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पार्ट के बारे में कि मनुष्य ने किस तरह से इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और उसका संतुलन ही पूरी तरह से बिगाड़ दिया। ईश्वर ने इस धरती पर ऐसे अनगिनत वस्तुओं का निर्माण किया है जो मनुष्य के हित के लिए उपयोगी है, हितकारी है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थीपन के कारण उसके मन में इतनी लालच निर्माण हुई कि उसने इस प्रकृति के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मगर ये प्रकृति ने भी अपनी व्याकुलता को स्पष्ट करने के लिए हमें छोटी छोटी आपदाओं से उस ध्यान आकर्षित करने के लिए मनुष्य ने उसे बिल्कुल नहीं देख पाया न समझ पाया। जैसे कि यहाँ पर उसने तूफान, बाढ़, अकाल, बेवक्त की बारिश से जल जले, तो इस तरह की आपदाएं से उसने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि उसे भी इस असंतुलित होने का कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ असर हो रहा है। बच्चों, यही पर हमने देखा है कि ईश्वर ने इस धरती पर मनुष्य के साथ साथ नदी, नाले, पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इन सबको इस धरती का उतना ही उत्तरदायी माना है जितना हम हैं, मनुष्य हैं, है ना। लेकिन मनुष्य ने अपने बुद्धि पर एक हुए इस परिवार को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर इस विश्व को पूरी तरह से विभक्त किया है। ये जीत नहीं है बल्कि मानो ये हार ही है। कैसे? बच्चों, जब परिवार एक होता है तो वो एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, सुख दुखों को महसूस करते हैं। लेकिन जब यही परिवार अलग अलग टुकड़ों में जब बांटा जाता है तब हर एक अपने ही बारे में सोचता है। उसी तरह से यहाँ पर इस धरती में जब मनुष्य ने प्रकृति के बाकी के हिस्सों को जब बेदखल कर दिया और उसी कारण वो केवल इस धरती पर अपना ही अधिकार समझ रहा है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हुई है। आज हम इस पाठ में लेखक की माँ ने उन्हें दी हुई सीख के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं कि लेखक की माँ ने उन्हें बचपन में क्या सीख दी थी। शायद ये सीख आपको भी आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने भी दी होगी। देखो, मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फल फूल बदुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। उन्होंने अपने मजार के नीले गुमत पर घोंसले बनाने की इजाजत दी है। मुर्गों को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जिससे पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। बच्चों देखो, ये सीख यहाँ पर लेखक की माँ ने उन्हें बचपन में दी थी, लेकिन आज की परिस्थिति आज लेखक की माँ उनके साथ नहीं है। लेकिन जब लेखक छोटे छोटे बच्चों को उन फूलों के साथ, पत्तों के साथ खिलवाड़ करते हुए देखते हैं, उन पंछियों की छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है और याद आते हैं अपने पूर्वजों की, अपनी माँ की भी याद आती है कि उन्होंने कितनी सीख उन्हें दी थी और आज क्या है, आज वो लोग कहाँ गए। ऐसी सीख बच्चों को दी नहीं जाती है, तो यही दुख यहाँ पर लेखक को हुआ है और उन्हें
तरस आता है उन लोगों पर, उन बच्चों पर जो इस तरह से इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, बिल्कुल उनके प्रति उनके मन में दया भाव नहीं है। पुराने जमाने में लोगों के मन में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रति भी एक स्नेह था, अपनापन था, उनकी भी भावनाएं समझते थे और इसीलिए तो ये धरती हरी भरी रही थी। लेकिन आज इस धरती पर की सारे हरियाली को मनुष्य ने मिटा दिया है और अपना राज कर रहा है। चारों तरफ हमें क्या दिखाई देते हैं, जंगल नष्ट हुए हैं और वहां पर सीमेंट के जंगल हमें दिखाई देते हैं। तो कैसे कहती है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद चाहे मौलवी कोई लगाए गीत। यहाँ इन दो पंक्तियों में कवि यही समझाना चाहते हैं कि हर एक की पूजा करने की तरीका अलग अलग है, लेकिन सब क्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। उसकी प्रार्थना सबकी एक जैसी ही होती है, लेकिन प्रार्थना करने के तरीके अलग अलग हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मस्जिद में मौलवी जाकर अजान देते हैं और वो अपने ईश्वर को याद करते हैं, तो दूसरी तरफ मन पशुओं के प्रति उन्होंने कहा है कि कोयल का उदाहरण दिया है कि कोयल जंगल में गीत गाती है तो मानो वो अपने ईश्वर को याद करती है। तो इस तरह के मनुष्य के और पशुओं के ईश्वर को याद करने के यानी अपनी भक्ति करने के तरीके अलग है। इसी बात पर लेखक ने हमें यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रवृत्ति में किस तरह के बदलाव आए हैं, लोगों के तौर तरीके बदल गए हैं और इसी तौर तरीकों को बदलने के लिए उन्होंने अपने माँ के जीवन का एक किस्सा और अपनी पत्नी के जीवन का एक किस्सा हमें इस पाठ में दिखाया है। वो देखो हम पढ़ते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दादर में तो रोशनदान थे, रोशनदान यानी खिड़कियां। उसके कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया था, यानी कि उस रोशनदान में जहाँ पर जगह होती है, मचान होता है यानी छोटी सी जगह होती है कार्निस की तरह, वहां पर कबूतरों ने अंडे डाले हुए थे। एक बार बिल्ली ने उछल कर दो में से एक अंडे को गिरा दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसके हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर पड़ता रहे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, दिन भर कुछ खाया न पिया, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। देखो यहाँ पर माँ का जीवन का एक किस्सा बताया कि किस तरह से उनके घर में कबूतरों ने अंडे डाले थे और उन अंडों में से बिल्ली ने उछल कर, बिल्ली ने छलांग मारी उस अंडों को पकड़ने के लिए। उस छलांग के कारण उन दो अंडों में से एक अंडा गिरकर टूट गया, दूसरा न गिरे इसलिए लेखक की माँ ने क्या किया, स्टूल लेकर ऊपर चढ़ गई और अपने हाथों से उस अंडे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथों से वो अंडा भी नीचे गिरकर टूट गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है कि माँ के हाथ से जानबूझकर नहीं हुई थी ये गलती, अनजाने में ये गलती हुई थी क्योंकि वो उस अंडे को बचाना चाहती थी, लेकिन ये गलती जो उसके हाथों से हुई उसे इतने मन को दुख हुआ क्योंकि उसने देखा कि कबूतर जब आए उन्होंने वो अंडे अपने जगह पर देखे नहीं, वो टूटे फूटे हैं, तो वो बहुत परेशान हुए, उन्हें दुख हुआ। उस दुख को उस माँ ने पहचान लिया कि आखिर वो माँ है, माँ ही दूसरे माँ की भावनाओं को समझ सकती है। उसी तरह से माँ को इतना दुख हुआ लेकर कि उसने दिन भर रोजा रखा, कुछ खाया नहीं पिया नहीं और बस नमाज पढ़ती रही और भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांगती रही। ये रहा उनके हिस्सा। तो किस तरह से उसने पशु के लिए भी उसने अपने
अपनी गलती के लिए भी वो माफी मांगती रही ईश्वर के पास, लेकिन आज हम इस तरह से करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता है। हम घर में अगर ऐसे कोई कबूतरों के अंडे या किसी पंछी को देखेंगे तो हम उसे तोड़ फोड़ डाल देंगे। हम बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे मन में आज वो स्नेह है। हम स्नेहहीन बने हुए हैं। हमारे अंदर की भावनाएं हमारी लालच ने मार दी है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर उन्होंने यही संवेदनहीनता का दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेखक ने बताया है कि ग्वालियर में बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। जब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। इनमें से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर परिंदों चरिंदों ऐसा शब्द आ गया है। परिंदों यानी पंछी और चरिंदों इसका अर्थ होता है चरने वाले जानवर। चरने वाले जानवर यानी चरिंदों। तो देखो हमने यहाँ वहां जो जंगल थे उस जंगलों को हमने नष्ट कर दिया, यानी जहां पर पशुओं के और जानवरों के रहने की जगह थी उस जगह को ही हमने मिटा दिया है। तो भला कहां जाएंगे? इसलिए कुछ परिंदे चरिंदे ऐसे ही भटकने लगे, अपने आवास को ढूंढने लगे। और ऐसे ही कबूतरों के एक जोड़े ने लेखक के फ्लैट में अपना घोंसला बना दिया था और वहां पर जो दो बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुस कर कभी क्या मिर्चा तारीफ को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, आशिया यानी घर था, घोंसला था, एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे और न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। तो देखो बच्चों यहाँ पर यही बताया गया है कि लेखक की पत्नी ने कितनी आसानता से उसके घर में बसे हुए उस कबूतरों के बच्चों को और उन कबूतरों को अलग कर दिया। उसे बिल्कुल उसके प्रति कोई दुख नहीं हुआ। उसने केवल अपनी तकलीफ को बचाने के लिए वो तकलीफ, क्योंकि वो कबूतर अपने बच्चों को खाना वाना पानी देने के लिए बाहर अंदर बाहर हर बार करते थे, तो इससे लाइब्रेरी में से कुछ किताबें गिरती थी, वहां पर गंदगी होती थी और इसके कारण लेखक की पत्नी परेशान होती थी। और इस परेशानी से बचने के लिए अपना काम कम करने के लिए उसने उन माँ और बच्चों को भी अलग कर दिया। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि ना अब सुलेमान है जो उन पंछियों की भाषा समझ सकते हैं और उनको दुख को कम कर सकते हैं, और ना ही उनकी माँ है जो उनके बिछड़ने के बाद रोजा रखकर वो दुआ मांग सकती है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो आज की परिस्थिति है, हमारी आज की जो परिस्थिति है वो इस तरह से बदल गई है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं है और ये इसका यही कारण है कि परिवार का अलग होना, कि परिवार अलग अलग हिस्सों में बांट गए हैं ना, इसीलिए किसी को भी किसी के प्रति कोई स्नेह ही नहीं बचा हुआ है। सब अपने ही बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए पुराने जमाने में जो एकल परिवार हुआ करता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, उस ज्वाइंट फैमिली में ऐसा किसी भी प्रकार का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता था क्योंकि वहां पर सब मिलजुल कर रहते थे, सब एक दूसरे
दूसरे की कदर करते थे, भावनाओं को समझते थे, सबको मान सम्मान देते थे। और आज हम देखते हैं कि घर में बड़े बुजुर्गों को तो कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन देखो जिस घरों में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उस घर में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएं नहीं आती है, क्योंकि उनके अनेक वर्षों के अनुभव की जो सीख है वो हमें प्रसाद के रूप में देते रहते हैं। इसीलिए भविष्य में आने वाली किसी भी समस्याओं को